इस वीडियो में आज हम क्लास 9 का आर एस अग्रवाल किताब का एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीनोमियल्स px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो वेरीफाई करके दिखाना होगा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से वेरीफाई करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, ये चारों चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये जो px दिया हुआ है ये मेरा डिविडेंड होता है, और ये जो gx दिया हुआ है ये मेरा डिवाइजर होता है। हमको कोशेंट और रिमाइंडर निकालना होगा। तो कोशेंट निकालने के लिए और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करने के लिए इस तरह से लिखते हैं 2x का पावर 4 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको इस तरह से लिख दिए। अब डिवाइड करने के लिए जैसे सिंपली डिवाइड करते हैं, यहाँ x के पहले कुछ नहीं यानी 1 है, यानी 1 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, 2 हो गया। अब उसी तरह से पावर को मिलाएंगे, यहाँ x टू दी पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है 4 है, 4 में किया तो 3, यानी x का टू दी पावर कितना जाएगा 3, यहाँ पे पावर 3 हो गया। अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 टू पावर x का पावर 3 ये x प्लस 2, और इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो x टू पावर 4 और ये प्लस 2 टू जब 4 x क्यूब, इस तरह से हुआ। अब ये वाला जो टर्म है मेरा यहाँ पे लिखाएगा, ये 2 का x का पावर 4 प्लस 4 x क्यूब, और इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब ये और ये कट गया, अब हम इस साइन को नहीं देखेंगे, हम नीचे वाला साइन को देखेंगे, नीचे और ऊपर माइनस माइनस, प्लस हो गया 6 4 10 हो गया, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसको रहने देते हैं, फिर से जो बच गया उसको पूरा उतार देते हैं, इस तरह से उतार दिए। ये माइनस में साइन होगा क्योंकि 6 बड़ा है। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 1 है तो 1 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 10 बार में, तो इसीलिए यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब उसी तरह से x और यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 3, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 10x स्क्वायर लिख दीजिए और x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 10x क्यूब माइनस प्लस माइनस 10 टू जा 20x स्क्वायर। अब इस टर्म को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस 10x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर, और फिर से साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे इसका काट दिए, ये प्लस 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 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब फिर से यहाँ पे 22 आया, इस 22 को यहाँ पे लिखेंगे, अब पावर x यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, 2 में गया तो 1, यानी x का पावर 1, तो x का पावर 1 मतलब x हो जाएगा, इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं हम, और 22x को अब हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 44x प्लस 12 टू जा सॉरी यहाँ पे जाएगा 22x स्क्वायर प्लस 44x। अब ये वाला यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं 22x स्क्वायर प्लस 44x, और साइन चेंज कर देते हैं और फिर इसको काट देते हैं, यानी कि यहाँ पे अब मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 45 जाएगा ये, लेकिन माइनस में होगा और प्लस 2 तो बच गया, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे फिर से माइनस 45 है, तो यहाँ पे माइनस 45 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस 45 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, और 45 टू जा कितना हो गया 90, और फिर से साइन को चेंज कर देंगे, तो ये कट गया और 90 और 2 ये हो गया 92। तो इस तरह से मेरा जो क्वोशेंट निकला वो इतना निकल गया, और रिमाइंडर जो निकला वो इतना निकल गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो बोर्ड में फिलहाल जगह है नहीं, इसलिए वेरीफाई करने के लिए हमको इसको बिठाना होगा, यानी इसको हम रहने देंगे, क्वोशेंट को रहने देंगे, और रिमाइंडर जो मेरा 92 बच गया है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, r बराबर 92 और
ये जो मेरा निकला है ये मेरा कोशेंट है, तो कोशेंट को क्यू एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया क्यू एक्स इज इक्वल इतना, और रिमाइंडर को आर एक्स से डिनोट करते हैं तो रिमाइंडर इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं पहले। अब हम पढ़ना क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इसमें क्या है, पी एक्स, पी एक्स हो गया। डिवाइजर क्या क्या है, ये जो मेरा टर्म आया था एक्स प्लस टू, ये मेरा डिवाइजर है, और कोशेंट मेरा ये लिखा निकला भी अभी टू एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 45, और रिमाइंडर ये मेरा 92 है, इसीलिए यहाँ पे प्लस 92 कर दिए, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, पी एक्स डिविडेंड के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जी एक्स, और क्वेश्चन के जगह लिखेंगे क्यू एक्स, और रिमाइंडर के जगह पे आर एक्स। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2x का पावर 4, x से सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 10 एक्स क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 45x, ये प्लस, अब 2 से सारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 टू जा 4, एक्स क्यूब माइनस 2 टेन जा 20, एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स और माइनस 90, और ये प्लस 92 तो बच गया मेरा। अब ये 2x का पावर 4 ऐसी हो गया, एक्स क्यूब कहाँ है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी दो जगह मेरा एक्स क्यूब है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो 10 में 4 गया तो 6 हो गया, 10 बड़ा है तो माइनस का साइन होगा, एक्स क्यूब हो गया। अब एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है एक यहाँ पर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 22 में 20 घटाएंगे तो 2 हो गया, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब x वाला टर्म कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो 45 में 44 गया तो 1 होगा, तो 45 बड़ा है इसलिए माइनस x लिख दिया, 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 नहीं लिखाता है। अब माइनस और प्लस माइनस हो गया, 92 में 90 गया तो 2 हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या पी एक्स इज इक्वल टू इतना है, यहाँ पे मिलाते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं वेरीफाई, और इस तरह से मेरा सॉल्यूशन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है।